नमस्कार मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जिंकायला आवडतं का? मला वाटतं हो. आणि त्यासाठी मस्त पर्याय म्हणजे स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन. पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाण कोणतं? तर माझं मत आहे की बिलबेट हे सर्वोत्तम ठिकाण आहे. मला एकदम भारी वाटतंय की ते मला सापडलं आहे, म्हणून मी येथे प्रेडिक्शन करत आहे. मित्रांनो, बिलबेट हे एकदम सोयीस्कर ठिकाण आहे, जिथे आपण नेहमी प्रेडिक्शन करू शकता. इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा येथे प्रेडिक्शन करणं एकदम सोपं आहे. तसेच येथे सर्वात वेगवान पे आउट देखील आहे. आणि ही सिस्टीम पेटीएम आणि UPI सारखी लोकप्रिय आहे. आता बघा मित्रांनो, तुम्ही प्रेडिक्शन लावलं आणि जिंकलात तर जिंकलेले पैसे लगेचच तुमच्या खात्यात जमा होतील. तसेच येथे एकदम फास्ट विड्रॉवल आहे. तर मित्रांनो, वाट कसली बघताय? डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, त्यावर जाऊन खेळायला सुरुवात करा. तुम अगर मेरा सुनोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मिलने बुरा हो जाएगा. मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुंझुन वाला. आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला. कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा. क्या जबा जबा, तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है. मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ. तुम कहाँ जा रहे? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ. अबे एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था. नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा. नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा. जान से मार दूंगा तेरे को. तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है. मास्टर है मास्टर. तेरा नाम क्या है? बांडिया. क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया. अच्छा डांडिया. डांडिया देख, हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख. नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो. चल मोची. इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता. ये लो, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो. और नए भी देंगे. और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे. अरे गाजपाठा, तू का कलेक्टर बनने वाला, जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई करे, कुछ काम कर. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है. अच्छा, ये मजाक. अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ. फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा. मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम. ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा. मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता. मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा. नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे. तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा. पहले खसखस खसखस के मर जाएगा. धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं. हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो. और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो. ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो. लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी. ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार. हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा. ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है. मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर. ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान. गुजरात गए हैं, आने वाले हैं. हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा. हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा. नथी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है. नहीं जम्मू नहीं जम्मू नथी ना जम्मू तो जा.
भाड़ में, तू जा भाड़ में। ये जा साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहा गड्ढा खोदो, मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या जाता भी काम कर। क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घूंघरा है, घाघरा, घूंघरा, घूंघरा, घूंघरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान, क्या जुलूम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, कुछ करो ना, उठ जाके कपड़ा दो। पैंटी गिली कर रहा है मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे पहुंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पार डालेंगे। हाँ, शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं, मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू, हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू, घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, अलिया लाज वगर ना, तो ने आ घाघरो चोली जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, डाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। वो तो मारा? वहाँ भी मारा। जबाला रे, रोता क्यों, आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ, बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, पिये ले, प्लेट ले, दो। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। खाले चार? एक, बे, तीन, चार। ये क्या है? छः, पांच, छः। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ भी धोऊं इस खाने के लिए? गंदा सा। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5-star होटल से खाना ला के दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं नहीं नहीं, 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 मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा, और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। श्रुति, 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 चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना। ये देखो, ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। जरा अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। ये गूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। मेलो आता फुकट नी मेलो, मेलो 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 आता फुकट नी मेलो, मेलो 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 आता फुकट नी मेलो।